दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि जो कारपेंटर के टूल्स होते हैं उनका क्या काम है और क्या नाम होता है। ये हमारी जो आरी होती है इससे हम लकड़ी की कटाई करते हैं, जो कि लकड़ी को हम कटर से भी काट सकते हैं लेकिन बिजली ना होने पर आरी से काट सकते हैं। उसी के साथ इसको हम बसुला बोलते हैं, जिससे जो कि है सुराख की सफाई की जाती है और आप अगर मोटी लकड़ी है तो उसे भी काट सकते हैं। ये हमारी कमानी है जो बर्मा को लेके साथ में सुराख करते हैं। आप देख पा रहे होंगे वैसे बर्मा पहले लोग खींचते थे पुराने ज़माने में। उसी के साथ में ये हमारा जो बड़ा रंदा है इससे हम लकड़ी को सीधा करते हैं। जो लकड़ी जब हम फल्ले उल्ले बनाते हैं या दरवाजे कुछ भी बनाते हैं तो इससे लकड़ी को हम सीधा करते हैं, लकड़ी बैंड होती है। ये हमारा छोटा रंदा है इससे हम लकड़ी को जो टेढ़ी लकड़ी होती है या किसी भी लकड़ी की सफाई हम इससे कर सकते हैं, छोटी लकड़ी है तो इससे हम रंध सकते हैं आराम से। ये हमारी उसी के साथ में बड्डी है, इसमें हम निशान कील लगी हुई आप देख पा रहे होंगे, इससे एक साइज में निशान लगाया जाता है। जैसे कि अब बड़ी मशीन में गेज होता है उसमें फीता बंधा हुआ होता है, उसी तरह से इसका भी प्रयोग होता है। ये हमारा जंबूर है जिससे कील तिरछा हो जाती है, उसे हम खींचते हैं। उसी के साथ ये हथौड़ी जिसे आप सब लोग जानते हैं कि इससे कील ठोंकी जाती है। ये हमारी चौरसी है, चौरसी से जो सुराख की सफाई की जाती है, कब्जा कटाई की जाती है, बहुत कुछ काम में आता है। साथ में ये रुखानी है जिससे सुराख की सफाई की जाती है। उसी के साथ में जो हमारा सुम्मा, जो तो आप जानते हैं कि जो जहाँ पे हथौड़ी नहीं चल पाती वहाँ से सुम्मा से हम आप कील या फेंस को भी ठोंक सकते हैं, चला सकते हैं। ये हमारा बर्मा जो आपको दिखाए थे कमानी, इसी के साथ में आप जोड़ के इसको चला सकते हैं, दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो साथ में ये हमारी कैंची है जिससे हम आपकी जाली और चादर को काट सकते हैं, किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी रेती है, रेती से इसे भी आप आरी में धार लगाई जाती है और उसी के साथ में बर्मे के जो तिल्ला उससे भी हम सही करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा कम है क्योंकि हमारा फ़ोन अच्छा नहीं है, भाई लोग कृपया सपोर्ट ज़रूर करें। ये हमारा साथ में ये नोकी आरी जिससे हम जो प्लाई उलाई होती है उसकी गोल कटाई कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी आरी जो है वो की गोल कटाई नहीं कर पाती। ये हमारा माइका कटर है जिससे हम माइका को काटते हैं। वैसे हम लोग चौरसी से काट लेते थे लेकिन जब से माइका कटाने लगा है तो हम इससे माइका काट सकते हैं। ये हमारा पेचकस है जिससे हम कब्जा को टाइट करते हैं या पेच खोलते हैं, कुछ भी सारा काम हो जाता है इससे, जो भी दिक्कत है हो जाती है। ये हमारी सिल्ली जो कि आप देख पा रहे हैं, सिल्ली टूट गई थी इसके लिए हमने खांचा ये तैयार किया, इसमें रख के आराम से धार लगा पा रहे हैं। ये हमारा आरी फ्रेम है, ये किसी भी लोहे को काटने के लिए ये हमारा उचित है। वैसे हाथ से काटते थे, ये हमारा इंची टेप है, आप जानते होंगे कि इंची टेप है भाई लोग।